आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम हमारी खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरों को शामिल करेंगे, आज हम हमारी खबरों के सिलसिले में आज की सुर्खियों में शामिल करेंगे नो डिटेक्शन पॉलिसी इन 8th क्लास की खबर, चाइना और इंडिया की खबर, चोटी काटने की घटना की खबर, कारोबार की खबर में हम लेंगे RBI ने रेपो रेट में की कटौती इसकी खबर, पैन कार्ड रद्द होने की खबर, BSNL के प्लान की खबर और मनोरंजन जगत की खबर में हम लेंगे दिलीप कुमार की खबर। सीक्रेट सुपरस्टार 2017 का मूवी ट्रेलर लॉन्च हो गया है इसके बारे में खबर और खेलकूद की खबर में हम लेंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे खबरों का सिलसिला और खबरों के सिलसिले में हम पहली खबर लेते हैं डिटेक्शन पॉलिसी इन 8th क्लास की खबर। 2 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी, इस बैठक में नो डिटेक्शन पॉलिसी पर चर्चा हुई थी। 8th क्लास तक फेल नहीं करने की योजना पर सरकार नया विधेयक ला रही है। इस विधेयक में 5th और 8th क्लास में फेल होने पर उसी क्लास में दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। सरकार 8th क्लास तक पास करने की पॉलिसी को ख़त्म करने जा रही है। 1 अप्रैल 2010 को 8th क्लास तक फेल नहीं करने का कानून बना था। अब हम बात करते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है चाइना और इंडिया की खबर। चाइना और इंडिया के बीच तनाव जारी है। तनाव का प्रमुख कारण ढोकलाम सीमा विवाद है। चाइना ने माना है कि भूटान और उनके बीच विवाद है। चाइना ने 15 पेज का डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट में चाइना ने कहा है कि भूटान और चाइना का आपस का मामला है, इंडिया दोनों देशों के बीच में ना आए। चाइना ने कहा है कि इंडिया संबंध सुधारना चाहता है तो पहले ढोकलाम सीमा से अपनी सेना हटाए, उसके बाद ही चाइना इंडिया से बात करेगा। अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है चोटी काटने की घटना की खबर। महिलाओं की चोटी काटने की घटना से राजस्थान, हरियाणा और अब दिल्ली की जनता भी दहशत में है। चारों ओर चोटी चोर की तलाश हो रही है। चोटी काटने के बारे में गांव वालों का कहना है कि यह चुड़ैल का काम है और जिसकी भी चोटी काट ली जाती है वो महिला कुछ दिनों बाद बीमार हो जाती है। चोटी चोर के कारण लोग जादू टोना करने लगे हैं। चोटी चोर पर निगाह रखने के लिए लोग सारी रात जागते हैं। चोटी चोर पर निगाह के लिए लोगों ने अपने घरों के बाहर CCTV कैमरा भी लगा लिए हैं। लोग अपने घर के बाहर दीवार पर पंजे का छाप लगा रहे हैं। गुड़गांव में बीते 24 घंटों में 7-8 महिलाओं की चोटी काट ली गई है। एक महिला घर में टीवी देख रही थी, अचानक उसको लगा कि उसका दम घुट रहा है। जब उस महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चोटी के बाल कटे हुए पड़े थे। इस प्रकार यह घटना हो रही है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है कारोबार जगत से जुड़ी। RBI ने की रेपो रेट में कटौती की खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने बुधवार को ब्याज दरों में कटौती करी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई। पहले रेपो रेट 6.25% थी, अब 6.00% रह जाएगी। रिजर्व रेपो रेट में भी 0.25% की कटौती की गई है। पहले रिजर्व रेपो रेट 6.00% थी, अब 5.75% रह जाएगी। रेपो रेट कम करने से बैंक में लोन रेट में ब्याज दरों में कटौती करेगा। हाउसिंग और कार लोन अब सस्ते हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है पैन कार्ड रद्द होने की खबर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस संतोष कुमार गंगवार जी ने संसद में कहा है कि सरकार ने 11,44,000 पैन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने एक से अधिक पैन कार्ड अलॉट करा रखे थे उनके पैन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। संतोष कुमार गंगवार जी ने कहा है कि एक आदमी के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए, कहीं आपका पैन कार्ड तो रद्द नहीं हो गया। पैन कार्ड को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर नो योर पैन पेज को ओपन करना होगा। इस पेज का लिंक हमने डायरेक्ट डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और इसको अपने वेब ब्राउजर पर पेस्ट करके ओपन कर लीजिए तो आपके सामने नो योर पैन का पेज ओपन हो जाएगा। जब ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा इस पेज के अंदर आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी और पर्सनल डिटेल के अंदर आपको नाम, स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, सरनेम, मिडल नेम भरना है। डिटेल भरने के बाद सबमिट करा देना है। यह सब करने के बाद आपको पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव यह मालूम हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है BSNL के नए प्लान के बारे में। BSNL ने अभी 3 नए प्लान लॉन्च किए हैं। यह प्लान पंजाब और गुजरात सर्किल के लिए हैं। हम आपको बताते हैं कि ये प्लान कौन कौन से हैं। पहला प्लान है STV 259। इसमें आपको टॉक टाइम मिलेगी 220 रुपये की, कॉलिंग मिलेगी आपको BSNL से BSNL 120 मिनट, फ्री ऑन नेट वॉइस कॉलिंग, वैलिडिटी रहेगी इस प्लान की 30 दिनों की। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्लान के बारे में। BSNL का दूसरा प्लान है कॉम्बो पैक 378। इसके अंदर आपको डाटा दिया जाएगा 4 GB पर डे, और इसके अंदर जब 4 GB की स्पीड ख़त्म हो जाएगी, 4 GB की जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको 80 KBPS की स्पीड मिलेगी। हम कॉलिंग की बात करें, कॉलिंग आपको मिलेगी अनलिमिटेड ऑन नेट कॉलिंग और 30 मिनट ऑफ नेट कॉलिंग। इस प्लान की वैलिडिटी रहेगी 30 दिन की। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्लान के बारे में। अगला प्लान है कॉम्बो पैक 548। इसमें आपको डाटा दिया जाएगा 5 GB पर डे, और जब 5 GB पर डे की लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो आपको 80 KBPS की स्पीड मिलेगी, और इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो रहेगी 90 दिनों तक। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत की खबर। मनोरंजन जगत की खबर के अंदर हम लेते हैं दिलीप कुमार जी की खबर। बॉलीवुड के वरिष्ठतम एक्टर दिलीप कुमार जी की तबीयत बुधवार की रात बिगड़ गई थी। दिलीप कुमार जी को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार जी की हालत में इस समय सुधार है। दिलीप कुमार जी की एज 94 साल की हो चुकी है। दिलीप कुमार जी को यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत थी। अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है सीक्रेट सुपरस्टार 2017 का ट्रेलर लॉन्च की खबर। सीक्रेट सुपरस्टार 2017 मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। सीक्रेट सुपरस्टार 2017 मूवी का ट्रेलर 17 घंटे पहले लॉन्च किया गया। सीक्रेट सुपरस्टार 2017 मूवी का ट्रेलर यूट्यूब के चैनल जी स्टूडियो पर लॉन्च किया गया। सीक्रेट सुपरस्टार 2017 मूवी ट्रेलर को 27,12,044 व्यू अब तक मिल चुके हैं। सीक्रेट सुपरस्टार 2017 मूवी के डायरेक्टर अदित चंदन हैं। सीक्रेट सुपरस्टार 2017 मूवी के कास्ट जहीरा वसीम, मेहर विज, आमिर खान और राज अर्जुन हैं। सीक्रेट सुपरस्टार 2017 मूवी 20 अक्टूबर 2017 को रिलीज होगी। अब हम बात करते हैं आज की हमारी खेलकूद की खबर के बारे में। खेलकूद की खबर में हम लेते हैं क्रिकेट की खबर। क्रिकेट की खबर में हम आपको बताते हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच आज से सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो गया है, और यह दूसरा टेस्ट मैच सिंगलीज क्रिकेट मैदान कोलंबो, जो कि श्रीलंका के अंदर है, वहाँ पर खेला जा रहा है। यह टेस्ट मैच 3 अगस्त से 7 अगस्त तक खेला जाएगा। यह टेस्ट मैच सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम के 5 बजे तक खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने पहले खेलते हुए 101 रन बना लिए हैं, 1 विकेट खोकर 28 ओवर के अंदर। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।